दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज है 21 दिसंबर और आज के डेट में भी 3 जिलों के विभिन्न नियोजन यूनिट का प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट यानी अबंधिक मेधा सूची जारी किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। इससे पहले वाला दोनों वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पर डे का जो भी अपडेट आता है अबंधिक मेधा सूची से रिगार्डिंग, वो सभी अपडेट आपको यहाँ पे रात के 10 बजे तक मिल जाता है। तो उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने क्रिएट कर दिया है। एक वीडियो कल आया था 20 दिसंबर को, इसमें 3 जिला के विभिन्न नियोजन यूनिट के बारे में अपडेट प्रोवाइड किया था, और साथ ही साथ इसमें 2 जो नियोजन यूनिट था वो प्रखंड लेवल का भी था। तो प्रखंड लेवल का नियोजन यूनिट का अगर नहीं देखें अभी तक औबंधिक मेधा सूची तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप आवेदन किए हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, फिर उसके बाद में अच्छे से अपना नाम चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और इसके पहले मैंने परसों रोज जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें 4 जिलों के विभिन्न नियोजन यूनिट का अपडेट प्रोवाइड कराया था, तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इन सब से रिगार्डिंग, मतलब कि औपबंधिक मेधा सूची से रिगार्डिंग, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी तक मैं 23 वीडियो शायद इसमें बना चुका हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 24 वीडियो अभी तक बना चुका हूँ, ये 25वां वीडियो इसमें होगा। यहाँ पे देखिए, दिखा देता हूँ उस प्लेलिस्ट को। प्राइमरी टीचर मेरिट लिस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। टोटल 24 वीडियो इसमें अभी तक हो गया है। इसका फायदा ये है प्लेलिस्ट का कि आप सभी वीडियो एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो जैसे ही एंड होगा तो एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा, वहाँ पे इसको आप चेकअप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गया जिला से। और यहाँ पे गया जिला का जो अपडेट है कल ही प्रोवाइड करा दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे गया नोटिस में, फिर रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन पे चेक किया तो वहाँ पे अपडेट नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे जनरली रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में ही अपडेट आता है गया जिला का, लेकिन वहाँ पर नहीं था। और कल हमें लगा कि कोई अपडेट नहीं आया है, इस कारण से मैंने वहाँ से चला गया। और आज देखिए, यहाँ पे जब मैंने दोबारा चेक किया तो यहाँ पे देखिए आया हुआ है अपडेट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर मिडिल स्कूल टीचर अंडर नगर निगम गया, ये पहला नोटिस है। दूसरा है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर प्राइमरी टीचर अंडर निगम नगर निगम गया, यानी नियोजन यूनिट जो है नगर निगम गया ही है। दोनों जो है नोटिस नगर निगम गया से ही रिलेटेड है, लेकिन ऊपर वाला 6 से 8 तक का औपबंधिक मेधा सूची है, और दूसरा जो है यहाँ पे 1 से 5 तक का औपबंधिक मेधा सूची है। ठीक है, दोनों मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप कीजिएगा तो देखिए एक पेज और ओपन होगा, उसके बाद में लिंक यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो दोनों नोटिस में वही है, आपको एक बार टाइप करना होगा उसके बाद में लिंक आपको मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं आपको इसी पेज का लिंक डाल दूंगा, और 1 से 5, 6 से 8 तक का अलग अलग PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कीजिएगा, आपका डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए 6 से 8 तक का ये रहा औपबंधिक मेधा सूची, यहाँ पर आप जरूर से देख लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले ऊपर में आपको मैथ्स और साइंस का टीचर का दिया गया है। यहाँ पे हायर मेरिट आप देख लीजिएगा 92.70 गया है मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के लिए। ओके, और यहाँ पे अगले सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे जाने के बाद इसे हम एंड करते हैं, इसमें टोटल मैथ और साइंस की दिखा देते हैं कितना आवेदन आया है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आया यहाँ पे लास्ट वाला पेज, यहाँ पे मैथ और साइंस का, और टोटल 590 आवेदन केवल मैथ और साइंस का आया है, और लोएस्ट जो मेरिट है 70.34 है। तो देख सकते हैं मैथ और साइंस में कितना ज़्यादा यहाँ पे हायर मेरिट गया है, 92-93 तक यहाँ पे चला गया है। और अगले सब्जेक्ट की बात करें 6 से 8 तक का, यहाँ पे जो अगला सब्जेक्ट है ये है इंग्लिश का, और यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मेरिट है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, शो का मतलब ये है कि ब्लर है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 83 शायद है। ओके, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे जूम करने के बाद में शायद दिखाई दे दे, क्योंकि अभी तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लर है नोटिस, और लो क्वालिटी में इसे अपलोड किया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आवेदन मैथ और साइंस में ही मेरे हिसाब से गया हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पे 300 के आसपास आवेदन यहाँ पर भी गया है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। और हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो 73 हायर मेरिट यहाँ पे गया है। अब बात कर लेते हैं 1 to 5 के शिक्षक के लिए, यहाँ पे 1 to 5 का देख सकते हैं दिया गया औपबंधिक मेधा सूची, सबसे ऊपर में आपको जो जनरल टीचर है उनका मिलेगा, और जनरल टीचर में हायर जो मेरिट गया है 89.97 यहाँ पे हायर मेरिट आप देख सकते हैं, उनका नाम है रोहित कुमार, जिनका हायर मेरिट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी है। और रिमार्क्स वाला सेक्शन आप जो है चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, अगर कुछ यहाँ पे लिखा होगा और कुछ उसके अगेंस्ट में आपको आपत्ति दर्ज कराना होगा तो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। 2 जनवरी से 17 जनवरी तक उसका डेट यहाँ पे मेंशन है, 2 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है आपत्ति लिया जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले जिला की। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे रिमार्क्स वाला सेक्शन में कुछ ना कुछ मेंशन है, तो यहाँ पे जो है आपत्ति दर्ज कराना होगा तो आप जरूर से करवा लीजिएगा। ओके, 2 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में आपत्ति लिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पेज में आ गए हम, जो 1 से 5 तक के जनरल टीचर हैं, यहाँ पे टोटल 761 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो लोअर मेरिट है 72.67 यहाँ पे लोअर मेरिट गया है,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है उर्दू शिक्षक का। उर्दू शिक्षक के बहाली यहाँ पे मतलब कि आवेदन कम ही आया है, और उर्दू शिक्षक का जो 1 से 5 तक के उर्दू टीचर हैं उनके लिए हायर मेरिट 77.95 है, और लोएस्ट जो मेरिट है 62.88 है। और एक कैंडिडेट का यहाँ पे जो है रिमार्क्स वाला सेक्शन में दिया गया है, कुछ चीज़ें लिखा गया है, जैसे कि बीएड पॉइंट वांट कुछ ऐसा करके लिखा गया है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। और उसके बाद में बढ़ते हैं अगले जिला की, और अगला जो जिला है सुपौल जिला है। सुपौल जिला के आपको बता दूं कि 8-10 नियोजन यूनिट का जब आया था तो मैं अपडेट प्रोवाइड कराया था परसों रोज, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नियोजन यूनिट को यहाँ पे अभी अपडेट किया गया है। देखिए अभी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 जो नियोजन यूनिट है उनका औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दिया गया है। फिर रामपुर, फिर लालगंज, मल्हानी, भीमपुर और चुन्नई और सोहता, ये 3-4 नियोजन यूनिट को यहाँ पे ऐड किया गया है, तो इसे आप जो है डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जिला की तरफ, और ये जो अगला जिला है शिवहर जिला है, और शिवहर जिला के रिगार्डिंग एक नियोजन यूनिट का अपडेट आया है, और ये जो अपडेट है 21 दिसंबर का ही है। माथुरपुर खटरवा नियोजन यूनिट का है, 1 to 5 का औपबंधिक मेधा सूची केवल इसमें दिया गया है, 422 KB का PDF है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही पेज शामिल है, अगर आप यहाँ पे आवेदन किए हैं तो डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमें भी पता है कि बहुत सारे नियोजन यूनिट का अभी तक औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा सब आपको मिलता जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।